सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों के रतन सीरीज के ऑलरेडी सारे के सारे सब्जेक्ट की वीडियोस मैंने बना दिए हैं, तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। पवन सीरीज की वीडियोस भी बन गई हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। हर एक विषय की मास्टर क्लास मैंने बनाई है, जिसमें मास्टर क्लास में आपको सारे के सारे विषयों की पूरी डिटेल वीडियो मिलती है। मास्टर क्लास में एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस हमने खत्म किया है, तो वो सारी वीडियोज की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। और उन वीडियोज को देख करके आप पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। सारे विषयों को चैप्टर वाइज तो मैंने पढ़ाया ही है, इसके अलावा सारे के सारे विषयों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, सबका सोल्यूशन मिल जाएगा और सारे के सारे विषयों की सीरीज की वीडियोस तो आपको मिली जाएंगी। तो दोस्तों, इतना सब कुछ अगर आप पढ़ के जाते हो एग्जाम में, तो आप बहुत बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो आपको स्कोर अच्छा करना ही है, क्योंकि इसके अलावा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार बैक लगने के बाद कितनी प्रॉब्लम होती है, ये आप सभी लोगों को पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट लग जाता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब क्या होगा? जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, खंड चंद्र ग्रहण या फिर चौड़ा प्रकाश वेद। दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में दिया है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, खंड चंद्र ग्रहण होता है या चौड़ा प्रकाश वेद निकलता है। तो जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है, जैसे कि यहाँ पर हमको पता है कि जो सूर्य है, सूर्य क्या करता है, हमारी पृथ्वी को प्रकाशित करता है। जो सूर्य है, हमारी ये पृथ्वी हो गई, ये सूर्य हो गया, और सूर्य हमें हर दिन प्रकाश देता है। हर दिन सूर्य जो छाया है सूर्य की, वो हमारे पृथ्वी पर पड़ती है। और पृथ्वी की जो छाया है, जब चंद्रमा, आपको पता है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जब चंद्रमा घूमते घूमते इस तरीके से पृथ्वी के सीध में पहुंचता है, तो जो चंद्रमा होता है, इसकी जितनी पृथ्वी की जितनी छाया चंद्रमा पर पड़ती, जितनी भी दूर चंद्रमा पर पड़ती है, वो क्या होता है, इतनी दूर क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, उतनी दूर ये छिप जाता है चंद्रमा और हमें दिखता है खंड चंद्र ग्रहण, यानी कि चंद्रमा छिपा हुआ दिखता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जितने भाग पर चंद्रमा पर छाया पड़ती है पृथ्वी की, जितने भाग पर पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, उतनी दूर पर क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। इसीलिए हमें चंद्रमा आधा दिखाई देता है या खंड दिखाई देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 7 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो हम सभी को पता है कौन थे, राकेश शर्मा। फिर है, नासा का मुख्यालय स्थित है आंध्र प्रदेश में, बेंगलुरु में, यूरोपीय संघ या फिर वाशिंगटन डीसी में। दोस्तों, नासा है यह अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में, यानी कि अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा? तो सारे के सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, आपको पता ही है। तो सूरज के सबसे निकट कौन सा ग्रह? तो सबसे निकट है बुध ग्रह, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर है वरुण ग्रह। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है? 60% से लेकर के 80% तक, 50% से लेकर के 60% तक, 60% से कम या फिर 60% से अधिक, कितनी होती है दोस्तों यहाँ पर पूछा है। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, बलुई दोमट मिट्टी में रेत की जो मात्रा होती है, बलुई यहाँ पर बालू लिखा हुआ ऑलरेडी इस मिट्टी में, तो बालू की मात्रा स्वाभाविक सी बात है कि अधिक होगी, तो 60% लेकर के 80% तक होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नियमित खाद के प्रयोग से क्या होता है? जब हम नियमित रूप से खाद डालते हैं किसी भी फसल में, चाहे वो गेहूं की फसल हो, धान की फसल हो, तो अगर हम नियमित रूप से उसमें खाद डालेंगे तो क्या होगा, उपज में वृद्धि होगी, मिट्टी की वृद्धि होगी, पानी की वृद्धि होगी, इनमें से कोई, स्वाभाविक सी बात है कि उपज में वृद्धि होगी, हमें फसल अधिक मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंपोस्ट खाद बनाई जाती है गोबर से, कूड़ा कचरा से और वह दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जो कंपोस्ट खाद बनाई जाती है दोस्तों, ये गोबर से भी बनाई जाती है और कूड़ा कचरा से भी बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 7 जो है, अ और वह दोनों, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं अतिशीघ्र गति से, धीमी गति से, बढ़ते ही नहीं है या इनमें से सभी। तो नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे अतिशीघ्र गति से, तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है,
रोगाणु प्रतिरोध में, कीड़े मकोड़े में, इल्लियों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर आर, रोगाणु प्रतिरोध में। क्वेश्चन नंबर 12 है, खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर गेहूं है, मटर है, चना है, धान है। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर द, धान। धान खरीफ की फसल है, बाकी गेहूं, चना, मटर ये सब एक साथ बैठा जाते हैं, तो ये सब रबी की फसलें हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हैरो खेत से क्या निकालने के काम में आता है? जो हैरो होता है वो खेत से क्या निकालने के काम आता है? खरपतवार, मिट्टी, पानी या फिर उपरोक्त सभी? तो जो हैरो होता है यह खेत से खरपतवार निकालने के काम आता है, तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिबलर से बुआई नहीं होती है गेहूं की, चने की, धान की या फिर बाजरे की? तो डिबलर से दोस्तों बुआई नहीं होती है धान की, ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है अप्लावन या प्रवाह विधि, कूड़ा विधि, कूण विधि, क्यारी विधि या फिर छिटका विधि? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर अ, अप्लावन या प्रवाह विधि। क्वेश्चन नंबर 16 है, बल का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन, जूल, अर्ग या फिर मीटर? दोस्तों बल का जो एसआई मात्रक है वो है न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 17 है, एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जूल, मीटर या फिर न्यूटन मीटर? तो राइट आंसर है जूल होता है, कार्य का मात्रक एमकेएस पद्धति में जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? दोस्तों तो किसी भी वस्तु में गति के कारण जो कार्य होता है, गति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं गतिज ऊर्जा, तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, चिमटा उदाहरण है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का या फिर एक मशीन का? दोस्तों जो चिमटा होता है ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, पुनः प्राप्त करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं ज्वार भाटा की ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा, कोयला या फिर पेट्रोलियम? प्राकृतिक गैस दोस्तों यहाँ पर लिखा है ऑप्शन वा में, तो ज्वार भाटा की ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, कोयला या फिर पेट्रोलियम? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ज्वार भाटा की ऊर्जा। अब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? नवीकरणीय मतलब नवी मतलब नए, नए ऊर्जा के स्रोत, और अनवीकरणीय का मतलब है जो पुराने स्रोत हैं, पुराने स्रोत ऊर्जा के। तो नए स्रोत में ज्वार भाटा की ऊर्जा, आपको पता है कि समुद्र का जो पानी होता है एक बार ऊपर आता है तो वह ज्वार कहलाता है, एक बार नीचे जाता है तो उसकी जो धारा होती है वो भाटा कहलाता है। तो इस तरीके से ज्वार भाटा क्या पानी तो है, एक तरीके से जल ऊर्जा ही तो हुई, तो जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये सब ऊर्जा के नवीकरणीय साधन है, नवीकरणीय स्रोत है। तो ये सब यहाँ पर, ये सब यहाँ पर ज्वार भाटा क्या होगा, सही होगा। बाकी प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम ये सब पुराने स्रोत है जिसको हम अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 21 है, पुनः प्राप्त न होने वाले, यानी कि इन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर एक बार खत्म हो गए, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो प्राकृतिक गैस हो, चाहे वो एलपीजी गैस हो जिसपे हमारे घरों में खाना बनता है, एक बार अगर वो खत्म हो गया तो वो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए तो यही पूछा है कि पुनः न प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से, तो कोयले की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या बहते हुए पानी की ऊर्जा। तो जो कोयले की ऊर्जा है यह पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा नहीं है, एक बार कोयला खत्म हो गया तो फिर दोबारा हमें नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये क्या है, ये क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। याद रखिएगा कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय, बस आपको इतना याद रखना है कि नवीकरणीय में नए आते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, जिन्हें हम फिर से प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जो अनवीकरणीय है अगर एक बार खत्म हो गए तो वो फिर हमें वापस नहीं मिलेंगे, जैसे कि पेट्रोल, कोयला, डीजल। क्वेश्चन नंबर 22 है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है सोलर कुकर द्वारा, सौर जल ऊष्मक द्वारा, सौर भट्टी द्वारा या फिर सौर सेल द्वारा? दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सौर सेल होते हैं, आपको पता है कि जो जिनके घरों में भी सोलर पैनल लगा होता है वो सूर्य का प्रकाश क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ये क्या करता है, चार्ज होता है, और चार्ज होने के बाद क्या करते हैं, जब शाम के टाइम में लाइट लोग जलाते हैं, इससे लाइट जलाते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं इससे। तो इस तरीके से जो सौर ऊर्जा को सीधे क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 23 है, कार्य है सदिश राशि, अदिश राशि, न्यून राशि या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जो कार्य होता है अदिश राशि होता है, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में चली गई दूरी या विस्थापन। तो यहाँ पर आप देखिए जो अदिश राशि होती है इसमें दिशा नहीं होती, तो कार्य में दिशा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होता है, किलोग्राम, कैल्विन, जूल या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कार्य का भी मात्रक जूल ही होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 25 है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, 3, 2, 4 या फिर 6? जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा, दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन बा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26 पे आते हैं, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है चिमनी, सूर्य, लालटेन या इनमें से कोई नहीं? तो हम सभी को पता है कि ऊर्जा का जो सबसे प्रमुख स्रोत है हमारी पृथ्वी पर वो क्या कौन है? सूर्य। सूर्य की जगह कोई नहीं ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1 जूल बराबर होता है न्यूटन गुणे 1 मीटर के, न्यूटन प्लस मीटर के, न्यूटन पर मीटर के या फिर 1 मीटर इंटू सेकेंड के? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जूल मात्रक होता है कार्य का, तो कार्य यानी कि डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, बल गुणे बल की दिशा में चली गई दूरी। तो यहाँ पर देखिए 1 जूल बराबर हो गया बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर। तो यहाँ पर आप देखिए जूल बराबर न्यूटन मीटर हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है न्यूटन मीटर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है, निम्न में से सरल मशीन है, पहिया, घिरनी, पेंच या फिर ये सभी? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, ये सभी क्या है? सरल मशीन है, चाहे पहिया हो, घिरनी हो या पेंच हो, याद रखिएगा। क्वेश्चन 29 है, सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सरल मशीन है मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन, घिरनी या उपरोक्त सभी? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, घिरनी। घिरनी के अलावा पेंच है, पहिया है, ये सब सरल मशीन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोशिका का भाग है संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, केंद्रक या फिर प्रोटोप्लाज्म? दोस्तों राइट आंसर है केंद्रक, कोशिका में केंद्रक होता है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन 32 है, जीवन का मूल आधार क्या है, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य या फिर सेंट्रोसोम? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, जीव द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आवश्यक तत्व हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश या उपरोक्त सभी? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के जो आवश्यक तत्व हैं दोस्तों, आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश ये सब लगते हैं। तो ऑप्शन द जो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 206 होती हैं। क्वेश्चन 35 है, श्वसन अंग है हृदय, ग्रीवा, फेफड़े या फिर सुषुम्ना? तो श्वसन अंग कौन से होते हैं, जहां से हम सांस लेते हैं, फेफड़े होते हैं, आपको पता ही है। क्वेश्चन 36 है, कंकाल तंत्र के कार्य है शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, श्वसन में सहयोग प्रदान करना, रक्त कणिकाओं का निर्माण करना या ये सभी? दोस्तों जो कंकाल तंत्र होते हैं, कंकाल तंत्र का मतलब होता है हमारी हड्डियां, हमारी हड्डियां क्या करती हैं, शरीर को दृढ़ता प्रदान करती हैं। शरीर को दृढ़ता प्रदान करने का मतलब है कि शरीर को क्या करती हैं, ये एक स्ट्रक्चर देती हैं। जैसे कि एक घर बनता है तो सबसे पहले क्या होता है, घर में क्या लगती हैं, घर में ईंटें लगती हैं ना, ईंटें लगती हैं, और फिर हम क्या करते हैं उन ईंटों का, जब घर बन जाता है फिर प्लास्टर करते हैं, फिर उसमें बहुत सारा काम करते हैं, फिर उस पर पेंटिंग करते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारे शरीर की ईंटें हैं, सबसे पहले ये क्या करती है, हमारे शरीर को आधार देती है, दृढ़ता प्रदान करती है। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्राउन, इनेमल, पल्प या फिर डेंटाइन? राइट आंसर है इनेमल कहते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 38 है, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए विटामिन ए और सी, विटामिन बी और सी, विटामिन ए और डी या फिर विटामिन के? दोस्तों दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें चाहिए विटामिन ए और विटामिन डी, तो ऑप्शन सात जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, दांतों का कार्य है भोजन को चबाना, भोजन को फाड़ना, भोजन को छोटे टुकड़ों में काटना या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 है, अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, म्यूसिन, पेप्सिन या फिर ट्रिप्सिन? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 41 है, शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है पैराथामोन, गैस्ट्रिन, इंसुलिन या फिर कीटोजैविक? दोस्तों शर्करा यानी कि जो शुगर है, इसका जो निगमन होता है वो करने में कौन सा सहायक जो होता है, कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो कौन, इंसुलिन, हम सभी को पता है। और यही जब सही से शरीर नहीं उत्पादित कर पाती है, शरीर नहीं बना पाती है, तभी व्यक्ति को क्या होता है, डायबिटीज होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कैल्शियम तथा फॉस्फोरस के नियमन का कार्य करता है पैराथामिन, डाइबेटोजेनिक, रेनिन या फिर पेप्सिन? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर आ, पैरा
थामोन। क्वेश्चन 43 है, जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन आप सभी को पता है कौन है, बी और सी है। और जल में घुलनशील कौन से नहीं है, के ई डी ए, कीड़ा। कैसे याद रखोगे आप, कीड़े को अगर पानी में डालोगे तो कीड़ा क्या होगा, गलेगा थोड़े, वो तो पानी के अंदर ही क्या रहेगा, वो ऐसे जिंदा रहेगा, वो जिंदा मर सकता है लेकिन वो गलेगा नहीं, ठीक है। तो पानी के अंदर घुलेगा नहीं, पानी में तो वो नहीं मिलेगा ना, तो इस तरीके से के ई डी ए यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये जल में नहीं घुलते हैं, ये नहीं घुलते हैं। तो बचे कौन, विटामिन बी और सी, तो ये क्या है, जल में घुलनशील है, तो ऑप्शन बी जो है विटामिन बी ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है फॉस्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम तथा फॉस्फोरस या कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम तथा फॉस्फोरस दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है रसायनों द्वारा, हिमीकरण द्वारा, पाश्चरीकरण द्वारा या किण्वन द्वारा। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाश्चरीकरण की प्रक्रिया द्वारा। पहले इसको खूब तेज टेम्परेचर में इसको हम उबालते हैं दूध को, फिर उसके बाद इसको एकाएक ठंडा कर देते हैं और इसको रख देते हैं, फिर वही जो है पैकेट वाला दूध लोगों के घरों में जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान किसमें निहित होता है, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, या फिर इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दोस्तों ये होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, क्योंकि केंद्रक में यही दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या के, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के, या प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, प्रोटॉनों की संख्या के, परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के। क्वेश्चन नंबर 48 है, परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन। दोस्तों बहुत आसान है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं यही नाभिक में स्थित होते हैं परमाणु के। क्वेश्चन नंबर 49 है, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, 2 8, 8 से अष्टक फुल हो गया, तो ये निष्क्रिय गैस में आ गए, जैसे कि हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, ये सब क्या है, निष्क्रिय गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है, परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, कार्बन, 12। क्वेश्चन नंबर 51 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, CaOH का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 52 है, भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बन जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों आपको पता है परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन सबसे पहले हम समझेंगे, जो रासायनिक परिवर्तन होता है दोस्तों, इसमें एक चीज है जैसे कि दूध है, दूध को हमने जमा दिया तो ये दही हो गया। अब दूध, दही से वापस हम दूध नहीं बना सकते ना, इसके कणों में और दही के कणों में जमीन आसमान का अंतर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम और भी ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमने कागज को जला दिया, कागज को जला दिया अब तो वो राख हो गई ना, अब उस राख से वापस तो हम कागज नहीं बना सकते, तो राख के कण जो है वो कागज के कण से क्या हो गए, कागज के कण से अलग हो गए, यानी कि अणुओं में परिवर्तन हो गया। लेकिन अब हम भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे, जैसे कि हमें कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उस लकड़ी के टुकड़े से हमने क्या बना दिया, कुर्सी बना दी, मेज बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, कुर्सी है, मेज है, ये बनी किससे, लकड़ी से, जो इनका जो मेन, इनके जो मेन अणु है उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन ब जो है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता भौतिक परिवर्तन में, ये सही हो जाएगा। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि पूरे का पूरा अणु ही परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, और एक नया पदार्थ बनता है, जैसे कि दूध से दही, कागज से राख, इस तरीके से। और भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं के बीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, दूध का फटना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना या सब्जी का पकना। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रत्यावर्तित परिवर्तन क्या होता है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन भी होता है और भौतिक परिवर्तन भी होता है। अब मोमबत्ती का जलना, अब यहाँ पर देखिए मोमबत्ती का पिघलना भी लिखा है, लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हैं मोमबत्ती का जलना, इसको हम क्यों देख रहे हैं, जब मोमबत्ती को हम जलाते हैं, ठीक है, मोमबत्ती है, मोमबत्ती को हम जला रहे हैं, तो जब मोमबत्ती जलेगी तो क्या होगा,
मोमबत्ती के जलने से ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा गर्मी और प्रकाश भी निकलेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो ये जो ऊष्मा और प्रकाश है, जब ये मोमबत्ती जल रही है तो ये दोनों क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है ना, ऊष्मा भी निकल रही है, प्रकाश भी निकल रहा है। तो ऊष्मा प्रकाश निकल रहा है इस मोमबत्ती के जलने से, तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्योंकि जब एक बार मोमबत्ती जल के खत्म हो जाएगी तो ये जो ऊष्मा निकली है मोमबत्ती में से और जो प्रकाश निकला है इसको हम वापस नहीं ला पाएंगे, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। लेकिन मोमबत्ती जलने के बाद कुछ मोमबत्ती जो बच जाएगी, जो मोमबत्ती नीचे बच जाएगी, वो क्या हुआ, अपने मूल रूप में जलने के बाद भी क्या हो जाएगी, आप देखते हो मोमबत्ती जलाने के बाद कुछ मोमबत्ती का टुकड़ा क्या होता है, वो जम जाता है, फिर से अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें मूल वस्तु वही रहती है ना, उसके कणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरीके से इसमें भौतिक परिवर्तन भी हो गया, रासायनिक परिवर्तन भी हो गया। भौतिक कैसे हुआ, क्योंकि जो मोमबत्ती थी, मोमबत्ती अपनी मूल अवस्था में रह गई थोड़ी सी, और जो ऊष्मा और प्रकाश है, यह मोमबत्ती ऊष्मा और प्रकाश के रूप में जल करके कुछ खत्म भी हो गई। जो ऊष्मा और प्रकाश है इसको हम वापस नहीं ला पाएंगे, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन भी हो गया। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन 54 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कोयले को पीसकर पाउडर बनाना। अब कोयले को आप कितना भी पीसिए, उसके मूल कण तो मूल कण ही रहेंगे, वो तो नहीं बदलेंगे ना। कागज के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में, अगर कागज है, कागज को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, मूल रूप से वो कागज ही रहेगा। कागज को जलाना और कांच की बोतल का टूटना, कांच की बोतल को भी अगर हम तोड़ देंगे तो भी उसके कण तो कांच के ही रहेंगे, लेकिन कागज को अगर हमने जला दिया तो क्या बचेगी, राख बचेगी ना, राख से फिर से कागज तो हम नहीं बना सकते ना। तो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि वापस हम राख से कागज नहीं बना सकते। क्वेश्चन 55 है, ज्वालामुखी का फूटना क्या है, मंद परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन, प्रत्यावर्तित परिवर्तन या फिर अनियमित परिवर्तन। दोस्तों ज्वालामुखी हमेशा तो नहीं फूटता ना, कभी कभी फूटता है, और ये कब, एक ज्वालामुखी फूटने के बाद उसमें से कब दोबारा विस्फोट होगा ये किसी को नहीं पता है। तो ये अनियमित परिवर्तन हो गया, ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा, इसका कोई नियम नहीं है, कभी भी ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, दिन रात का होना क्या है, रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन या फिर अनियमित परिवर्तन। तो ये क्या है, नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन है, ये प्रकृति का नियम भी है और नियमित, रोज सूरज निकलता है, रोज दिन रात होते हैं, तो इस तरीके से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 57 है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, जलीय विलयन में OH- हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, या जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाते हैं। तो राइट आंसर है, जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन 58 है, अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयनन की मात्रा पर, क्वथनांक पर, अणुभार पर या तुल्यांक की भार पर। तो उनके आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है, अम्ल व क्षारों की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, उनके आयनन की मात्रा पर। याद रखिएगा, अम्लों व क्षारों की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, उनके आयनन की मात्रा पर। क्वेश्चन 59 है, प्रबल अम्ल व क्षार होते हैं जो जल में स्थायी हो, जिनका अणुभार अधिक हो, जो जल में अधिक आयनित हो, या फिर जिनका क्वथनांक अधिक हो। तो जो जल में अधिक आयनित हो, तो दोस्तों ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार वह होते हैं जो जल में अधिक आयनित होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जल अपघटन, उदासीनीकरण, आयनन या अपघटन। तो ये क्रिया कहलाती है आयनन। क्वेश्चन नंबर 61 है, उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल बनता है, क्षार बनता है, क्षारक बनता है या लवण व जल बनते हैं। उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें लवण और जल बनता है, याद रखिएगा ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए, ये प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल मिलकर के, क्षार और अम्ल मिलकर के उदासीनीकरण की प्रक्रिया में क्या बनाते हैं, लवण यानी कि NaCl, नमक और जल। क्वेश्चन नंबर 62 है, जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे कहलाते हैं हाइड्रेसिड, ऑक्सी अम्ल, थायो अम्ल या फिर दुर्बल अम्ल। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रेसिड। क्वेश्चन नंबर 63 है, जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं सामान्य लवण, बेसिक लवण, अम्लीय लवण या फिर द्विलवण। दोस्तों ये कहलाते हैं सामान्य लवण। क्वेश्चन नंबर 64 है, वायु प्रदूषण के कारण है कूड़े का जलना, आग लगना, मोटर वाहनों का धुआं या ये सभी।
तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर द। ये सभी क्या है, वायु प्रदूषण के कारण है, क्योंकि इससे वायु क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है, चाहे कूड़ा जलाया जा रहा हो, चाहे आग लगाया जा रहा हो, या मोटर वाहनों के धुएं हो। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है, अग्निकांड, बम विस्फोट, रेल दुर्घटना या फिर भूकंप। जो भूकंप है ये आदमी के लाने से नहीं आती, बाकी जितने चीजें यहाँ पर आप देख रहे हो ये सब आदमियों की गलती से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ था, 2002 में, 2003 में, 2004 या 2005 में हुआ था। दोस्तों ये हुआ था 2005 में, सन 2005 में। क्वेश्चन नंबर 67 है, जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसका क्या रीजन है, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित जन्म दर या अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। राइट आंसर यही है, अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 68 है, सुनामी का निर्माण होता है पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, चट्टानों के टूटने से, वैश्विक ऊष्मा से, या पृथ्वी के नीचे खिंचाव और भिजाव की हलचल। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से। क्वेश्चन नंबर 69 है, सुनामी का संबंध किससे है, प्रसिद्ध शरारती जलमग्न लहर या फिर पानी के अंदर उत्पन्न लहर। दोस्तों जो सुनामी होती है ये पृथ्वी के अंदर उत्पन्न पानी के अंदर उत्पन्न लहर से उत्पन्न सुनामी आती है, याद रखिएगा, पानी के अंदर उत्पन्न लहर से आती है सुनामी। क्वेश्चन नंबर 70 है, चक्रवात का आकार कैसा होता है, तो चक्रवात का आकार चौकोर, गोल, अंडाकार या आयताकार। दोस्तों जो चक्रवात होता है ये अंडाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, पृथ्वी, मार्स, नेपच्यून या फिर प्लेटो को। तो आप सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या है, प्लेटो, ऑप्शन द जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल है, बोतल खोलने वाला यंत्र, पंजेदार हथौड़ी, कैंची या ब्रेड काटने का चाकू। दोस्तों राइट आंसर है बोतल खोलने वाला यंत्र। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, प्रबल क्षार है NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, NaOH या MgOH का होल। तो जो NaOH है ये प्रबल क्षार है। क्वेश्चन नंबर 74 है, अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है, टाइफाइड, एंथ्रेक्स, रेबीज या फिर पील पाव। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है एंथ्रेक्स, ये हो जाता है जब कोई अधपका मांस खाता है। 2015 में ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, रसांकुर या विली संरचना पाई जाती है क्षुद्रांत में, यकृत में, लार ग्रंथि में या हृदय में। दोस्तों तो ये पाई जाती है क्षुद्रांत में, ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है, दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनना, बल्ब का जलना या कागज का जलना। कागज का जलना, कागज एक बार जल गया, राख बन गया, वो फिर से वापस कागज नहीं बन पाएगा। गन्ने के रस से अगर हमने सिरका बना दिया तो वापस हम गन्ने का रस नहीं बना पाएंगे। दूध से अगर हमने दही बना दिया तो दही को वापस दूध नहीं बना पाएंगे। तो बचा क्या, बल्ब का जलना, एक बार बल्ब को जला दिया, जो जरूरत है उसको बुझा दिया, फिर जला दिया। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है, यानी कि फिर से वापस बुझाने के बाद हम उसको जला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक, एसिटिक, नाइट्रिक या साइट्रिक अम्ल। जितने भी जो खट्टे फल होते हैं उनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, चाहे वो नींबू हो या आंवला हो। क्वेश्चन नंबर 78 है, विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत हम सभी को पता है, सूरज की रोशनी जो कि बिल्कुल मुफ्त होती है, धूप सभी को मिलती है, ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, सरौता में आलंब होता है, किनारे पर, बीच में, किनारे तथा बीच के मध्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, किनारे पर होता है, सरौता में जो आलंब होता है वो किनारे पर होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, घड़ी को चाबी देने में हम किसका संग्रह करते हैं, गतिज ऊर्जा का, गुरुत्वीय त्वरण का, स्थिति ऊर्जा का या सामर्थ्य का। तो जब हम घड़ी में चाबी देते हैं तो हम उसमें गतिज ऊर्जा को संग्रहित करते हैं, ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। 2016 में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, एलिसा परीक्षण किया जाता है किसके लिए, कैंसर, छह, एड्स या फिर टाइफाइड। तो ये एड्स के लिए किया जाता है, और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, नाइट्रोजन अणु में होते हैं त्रिकायनिक बंध, एकल सहसंयोजी बंध, द्विक सहसंयोजी बंध या त्रिक सहसंयोजी बंध। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, त्रिक सहसंयोजी बंद। क्वेश्चन नंबर 83 है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या 40 है, तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है और उसकी द्रव्यमान संख्या 40 है, तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 25। हम यहाँ पर 40 में से 15 को घटा देंगे, कितना आ गया,
25। क्वेश्चन नंबर 84 है, दाएं नीलय के अशुद्ध रुधिर किस अंग में चले जाते हैं, फेफड़े में, हृदय में, त्वचा में या यकृत में? दोस्तों राइट आंसर है फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 85 है, पेट्रोल में होती है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा? राइट आंसर है रासायनिक ऊर्जा होती है पेट्रोल में, डीजल में, मिट्टी के तेल में भी। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र कौन सा है? दोस्तों CaCO3, ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में? जो प्रकाश ऊर्जा है, जो सूर्य की ऊर्जा है, उसको हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, चाहे हम फैन चलाते हैं, हम लाइट जलाते हैं, तो ये विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, तो ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, बी, सी या फिर डी? किसकी कमी से होता है दोस्तों? तो ये होता है विटामिन बी की कमी से। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89, जड़ों द्वारा वर्धीय प्रजनन होता है आलू में, शकरकंद में, अदरक में या गन्ने में? तो जड़ों द्वारा वर्धीय प्रजनन होता है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, शकरकंद में। दोस्तों हर एक विषय की मास्टर क्लास की वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे विषयों की मास्टर क्लास को आप अच्छे से पढ़ डालिए अगर आप वाकई में चाहते हैं अपने एग्जाम में बेहतर नंबर लेकर के आना। हर एक विषय की वीडियोस आपको दोस्तों मिल रही है, सारे विषयों को आप पढ़िए। हर विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमने सॉल्व करा दिया है, उनकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। तो आप सारे वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद उत्तरी क्वेश्चन स्टार्ट है। वह उत्तोलक जिसमें आलम एवं आयाम के मध्य भार होता है, इनमें से कौन सा वह उत्तोलक है जिसमें आलम एवं आयाम के मध्य में भार होता है, हैंड पंप, चाकू, ट्रॉली या फावड़ा? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ट्रॉली। ट्रॉली में भार का होता है, बीच में होता है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस को आपने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से आए भी होंगे। कितने क्वेश्चन आपने सही किए कमेंट करिएगा दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोज हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, तो आप सारे वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और आप रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप पे, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।